अम्बाला जिले में पिछले 24 घंटे में 71 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। 71 नए मामले ये अम्बाला जिले के अलग अलग इलाकों से हैं। इसमें अम्बाला सिटी से 32 मामले हैं, अम्बाला कैंट से 26 मामले हैं, 7 मामले चौड़मुखपुर एरिया से हैं, 3 मामले शहजादपुर से हैं, 1 मामला बराड़ा से है और 2 मुलाना से हैं। इसके साथ ही जो पॉजिटिव केसों की संख्या 3,299 हो गई है अम्बाला जिले में, और आज 95 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। तो कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले केसों की संख्या 2,815 हो गई है और जो एक्टिव केसों की संख्या है वो 456 है अम्बाला ज़िले में। और पिछले 24 घंटे में एक मौत हुई है, कि मौत पल्लेदार मोहल्ला का 60 वर्षीय व्यक्ति था, उसकी शुगर अनकंट्रोल्ड थी, बिल्कुल आखिरी टाइम पे वो अपना उसके साथ ऑक्सीजन सैचुरेशन उसकी बिल्कुल पुअर थी, यानी फेफड़े बिल्कुल काम करना जब बंद कर चुके थे तब अम्बाला कैंट हॉस्पिटल में आया। शुगर भी अनकंट्रोल्ड थी, साथ के साथ सांस लेने में उसको दिक्कत थी, ऑक्सीजन सैचुरेशन 50% से भी नीचे थी, तो उसको वहाँ पे डॉक्टरों ने ऑक्सीजन पे रखने की कोशिश की लेकिन उसकी इम्प्रूव नहीं हुई ऑक्सीजन सैचुरेशन, तो उसको तुरंत मुलाना के लिए शिफ्ट किया गया मेडिकल कॉलेज मुलाना में। वहाँ पे रास्ते में उसकी मौत हो गई जब वो मुलाना जा रहा था। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी बार बार यही अपील है, जो लोग मैं अभी इलाज लेने में देरी कर रहे हैं उन्हीं की अपील, आपने काफ़ी टाइम से देखा होगा उन्हीं की मौत हो रही है जो इलाज लेने में देरी कर रहे हैं या अपना टेस्ट देरी से करवा रहे हैं। इसलिए मेरी अम्बाला वासियों से बार बार यही अपील है, अभी अगर किसी को फीवर है, साथ में सांस लेने में तकलीफ़ है, खांसी या जुकाम है या शरीर दर्द हो रहा है, तो तुरंत अपना किसी भी सेंटर पे जाके अपना टेस्ट करवा ले। हमारे नारायणगढ़ से लेके चौड़मसपुर तक हर जगह टेस्टिंग सेंटर हैं और कोई भी ये सारे के सारे टेस्ट फ्री में हैं, जबकि प्राइवेट लैब में तो 24 रुपये का टेस्ट होता है। और रैपिड एंटीजन से भी हम टेस्ट कर रहे हैं, रैपिड एंटीजन से टेस्ट रूरल इलाके में लगातार चल रहा है या कंटेनमेंट जोन में चल रहा है। तो लोगों से अपील है कि कोरोना के टेस्ट से घबराएं नहीं या डरें नहीं, अभी कोरोना संक्रमित हो जाएंगे या पॉजिटिव आ जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, अगर पॉजिटिव टाइम से पता लग गया पॉजिटिव है तो टाइम से प्रिकॉशन लेके अभी सारे के सारे लोग ठीक हो रहे हैं। आपको पता है कि जो हमारी क्योर रेट है लगभग 85% आज तक क्योर रेट है, सिर्फ 456 आदमी एक्टिव केस हैं अम्बाला ज़िले में, और जो इसकी केस फर्टिलिटी रेट भी है वो केस फर्टिलिटी रेट भी अम्बाला ज़िले में 0.885% है। तो लोगों को डरने की बात नहीं, जो लोग इलाज लेने में देरी कर रहे हैं, जिनको बीमारी है और उसके बाद भी इलाज लेने में देरी कर रहे हैं, उनसे मेरी बार बार यही अपील है कि प्लीज़ आप अपनी अपना भी ख्याल रखें, परिवार का भी ख्याल रखें, क्योंकि पूरा का पूरा परिवार में फैला देते हैं तब आ रहे हैं हमारे पास।